Hello friends, welcome to my channel eGrammar. Now in this video we are going to see change the voice in present perfect tense. अब मैंने present perfect tense को तीन part में divide किया है. पहला है affirmative sentence, then negative sentence and then questions. अब हम इन तीनों का change the voice कैसे किया जाता है ये देखने वाले हैं. मतलब active to passive कैसे convert करते हैं वो देखेंगे. Let's see the formula. Active voice में हम sentence किस तरीके से लिखते हैं. Subject, how has, then the third form of the verb and object. Okay? जब हम इसको passive voice में convert करते हैं तो क्या होता है? Subject और object एक दूसरे की जगह ले लेते हैं. Subject आ जाता है object की जगह पे और object चला जाता है subject की जगह पे. Okay? Object के तुरंत बाद हमें form of be use करना है. अब ये form of be क्या है? Be मतलब क्या होता है? ये depend करता है किस तरीके का object है और हमारा sentence किस tense में बनाया गया है. अब हमारा सेंटेंस हमें मालूम है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया है तो हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम हैज का इस्तेमाल करेंगे. अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे. उसके तुरंत बाद हमें बिन का इस्तेमाल करना है. ओके ये बिन आ गया. उसके तुरंत बाद हमें बिन का इस्तेमाल करना है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए पैसिव वॉइस में हम बिन का इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है. ओके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के तुरंत बाद ये बाय जो वर्ड है ये हमें यहाँ पे वर्ब को चिपका देना है. मतलब उसके तुरंत बाद हमें लिखना ही है और बाय को ये चिपका देना है हमारा सब्जेक्ट. अंडरस्टूड. अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जब हम सब्जेक्ट में कुछ बदलाव लाते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस में तो क्या बदलाव लाते हैं. देखिए आई का होता है मी, वी का होता है अस, दे देम, यू ही रहता है, he becomes him, she becomes her, it remain as it and name remain as it. अब जो red colored के word है ना उनमें कोई बदलाव नहीं आता, वो ऐसे ही रहते active to passive voice convert करते वक्त. but बाकी जो word है मतलब ये सब subject है, actually ये word नहीं है, ये सब subject है, इनमें जो कुछ भी बदलाव आता है वो passive voice में आता है. सिर्फ red colored word में कोई बदलाव नहीं आता. understood. now take a look some example present perfect tense का. हम affirmative sentence का एक example आपके सामने लिखता हूँ. He has written a letter. अब इसको passive voice में convert करते हुए क्या होता है? A letter has been written by him. Understood? अब इसके ऊपर हम हमारा formula use करते हैं. कैसे किया जाता है? देखिए, subject, have, has, then third form of the verb and object. अब हमारा object पहले आ गया subject की जगह पे passive voice में. अब वो subject का काम करेगा इस sentence में passive voice में. तो अब हमें देखना है हमारा object किस तरीके का है. अरे हमारा ऑब्जेक्ट तो सिंगुलर है, एक वचनी है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? हैज. उसके तुरंत बाद हमें यूज करना है बिन. बिन के तुरंत बाद हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सो रिटर्न. और वो रिटर्न को हमें ये बाय वर्ड यहां पे लिख देना है. एग्जैक्टली उसके बाद ही लिखना है और बाय के तुरंत बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट. बट सब्जेक्ट में कुछ बदलाव आते हैं जो हमने पहले देख लिए. तो ही का क्या होगा? हिम हो गया. Understood? Take a look at another example, जहाँ पे मैंने object का plural form use किया. इस example में देखिए, they have written letters. अब letters से शुरू होगा, क्योंकि ये object है, passive voice में object पहले आता है, और वो subject का काम करता है. So letters have. हमने have क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि हमारा जो object था, वो क्या था? Plural था, इसलिए मैंने have का इस्तेमाल किया. So letters have, उसके बाद been, letters have been written by them. Understood? Now take a look at some example for this. I have eaten an apple has been eaten by me. You have played football, football has been played by you. We have sung songs, songs have been sung by us. He has drunk milk, milk has been drunk by him. She has written letters, letters have been written by her. Sam has sold vegetables, vegetables have been sold by Sam. Understood? Now take a look at next part, negative sentence in present perfect tense. अब मैं एक sentence आपके सामने लिख देता हूँ. He has not written a letter. Present perfect tense में negative sentence बनाते वक्त हम जो हमारा form of be और जो verb third form of the verb है उसके तुरंत बाद हम not का इस्तेमाल करते हैं. पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त क्या सेंटेंस हो गया हमारा? अ लेटर हैज नॉट
been returned by him. Understood? अब हम हमारा फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करते हैं. देखिए ये हो गया हमारा फॉर्मूला. इस स्ट्रक्चर में ये जो जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें हमने हमारा सेंटेंस लिख दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. अब इसका हम पैसिव वॉइस करते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे की जगह ले लेते. अब ऑब्जेक्ट पहले आ गया. अब देखना है हमें हमारा ऑब्जेक्ट किस तरीके का है. हमारा ऑब्जेक्ट तो सिंगुलर है, एक वचनी है, तो हमने क्या इस्तेमाल करना चाहिए, हैज का इस्तेमाल किया. अब नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए तुरंत हैज के बाद हमें नॉट का इस्तेमाल करना है. इसके पहले सेंटेंस में हमने क्या किया था, हैज के तुरंत बाद बिन का इस्तेमाल किया था, बट ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने क्या किया, हैज के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल किया. और ये जो रिमेनिंग पार्ट है बिन रिटर्न बाय हिम, ये एज इट इज रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा. ओके, सो अ लेटर हैज नॉट बिन रिटर्न बाय हिम. अंडरस्टूड? अब हम एक प्लूरल सेंटेंस देखते हैं, मतलब जहां हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल हो. सी, दे हैव नॉट रिटर्न लेटर्स. पैसिव वॉइस में क्या होगा, लेटर्स हैव. हैव क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल था इसलिए, अनेक वचनी था इसलिए. सो लेटर्स हैव नॉट बिन रिटर्न बाय देम. अंडरस्टूड? नाउ टेक अ लुक एट सम एग्जाम्पल फॉर दिस. आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल, एन एप्पल हैज नॉट बीन ईटन बाय मी. You have not played football. Football has not been played by you. We have not sung songs. Songs have not been sung by us. He has not drunk milk. Milk has not been drunk by him. She has not written letters. Letters have not been written by her. Sam has not sold vegetables. Vegetables have not been sold by Sam. अंडरस्टूड? अब हम हमारे लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो है क्वेश्चंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं पहले. हैज ही रिटन अ लेटर, पैसिव वॉइस में क्या हो गया, हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हिम. अब हम हमारा फॉर्मूला देखते हैं कि हमने किस तरीके का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करना है. देखिए हैव और हैज डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट किस तरीके का है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हैव हैज से शुरुआत करते हैं. सो हैव हैज देन सब्जेक्ट देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. अब हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक दूसरे की जगह ले रहे. अभी ये जो फॉर्म ऑफ बी हैव और हैज, हम इनको थोड़ा बाद में कंसिडर करेंगे. पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे कि अरे हमारा ऑब्जेक्ट किस तरीके का है. हमारा ऑब्जेक्ट तो सिंगुलर है, एक वचनीय है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, बी का फॉर्म, हैज बी का फॉर्म यूज करेंगे. अब और सेंटेंस में हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को पहले लिखा था, बट ये क्वेश्चन है इसलिए हम क्या करेंगे, बी का फॉर्म पहले लिखेंगे. ओके, सो हैज ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, इसलिए हैज. हैज अ लेटर, अब यहां पे ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहां पे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है. सो हैज के तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है. सो हैज अ लेटर, उसके तुरंत बाद हम यूज करेंगे बिन, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय उसको लगा देना है, और लास्ट में आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में जो कुछ बदलाव आएगा वो ही का होगा, हिम, एंड देन क्वेश्चन मार्क. सो क्या सेंटेंस, सॉरी क्या क्वेश्चन बनता है हमारा, हैज ही रिटन अ लेटर, पैसिव वॉइस में क्या हो गया, हैज अ लेटर बिन रिटन बाय हिम. अंडरस्टूड? अगर आप गौर से देखोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि जो बिन रिटर्न बाय हिम ये जो पार्ट है ये ऐसे ही रहता है. मतलब पिछले सेंटेंस में हमने देखा था यहाँ पे सिर्फ फुल स्टॉप था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बट ये जो बिन रिटर्न बाय हिम जो है ये पार्ट ऐसे ही रहेगा. जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम चेंज वॉइस करते हैं तो उस वक्त ये पार्ट ऐसे ही रहता है, जो कुछ बदलाव होता है वो पहले पार्ट में आता है. ओके, understood? Now, let's take a look at some example for this. Have I eaten an apple? Has an apple been eaten by me? Have you played football? Has football been played by you? Have we sung songs? Have songs been sung by us? Has he drunk milk? Has milk been drunk by him?
Had she written letters? Have letters been written by her? Has Sam sold vegetables? Have vegetables been sold by Sam? Thanks for watching my video. Please subscribe and like the video. Thank you very much.